नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। देश में महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार थमने लगी है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट भी जारी है। बीते 24 घंटे में 37,154 नए मरीज मिले और 724 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली। इससे एक दिन पहले यानी कि रविवार को 41,506 नए मरीज मिले और 895 की मौत हो गई। कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया जारी है। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जा रही है। देश में महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट भी जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 37,154 नए मरीज मिले। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,08,74,376 हो गई। वहीं अब तक संक्रमण से 4,08,764 लोगों की जान चली गई। बात करते हैं जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें जनपद सहारनपुर में आज केवल एक ही मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,886 हो गई। वहीं राहत की बात ये भी रही कि आज 3 मरीजों ने कोरोना से जंग ली थी और स्वस्थ होकर पूरी तरह से अपने घर वापस लौटे। अब जनपद में एक्टिव केस यानी कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 38 है, जिनका इलाज सहारनपुर में अभी भी जारी है। सिटी वेब आप सभी जनपद वासियों से लगातार अपील कर रहा है, कोरोना से बचे, अपने परिवार को बचाए। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें और सावधानी जरूर बरतेगा। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।